मुझे वहां पर। क्योंकि वक्त थोड़ा है तो जल्दी से मुझे जरा ये बताइएगा कि कराची वगैरह में क्या हुआ आपके, इस बार ही आप लोगों का टर्नआउट बड़ा वीक रहा इलेक्शन का, ये क्या वजह रही? बाबा जी, इलेक्शन तो तब लड़ेंगे ना जब जान बचेगी, और इलेक्शन तब लड़ा जाता है जब इलेक्शन का माहौल होगा। हम अपनी जानें बचा रहे हैं पाकिस्तान के रोडों पर के ऊपर, जहां निकलते हैं मार दिए जाते हैं, जहां निकलते हैं कुचल दिए जाते हैं, जहां निकलते हैं खून बहा दिया जाता है। और जिस कमीने रजील का दिल करता है वो हमारे ऊपर गोलियां भी चलाता है और जनाब टैंक भी चढ़ाता है और हजरत बख्तरबंद गाड़ियां भी चढ़ाता है। तो हम इलेक्शन खाक लड़ेंगे जी, हम तो यहाँ हजरत अपनी अलामा जान बचा साहब, रहे हैं। हजरत अलामा साहब, आपका गुस्सा बिल्कुल हक बजानेब है, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन बहरहाल हमें जब टेलीविजन पे हम बात करते हैं तो थोड़ा सा मैं पार्लियामेंट्री लैंग्वेज को अच्छा जी, मैं उसको पार्लियामेंट्री आई एम सॉरी, लैंग्वेज में मैं ये आप कह मेरी देता बात हूँ माइंड ना कि करें। एक यही तरीका रह गया है कि आप हम सबको मार दें, मतलब आपसे मुराद ये है कि ये हम सबको नहीं मार नहीं दें। मैं तो आपके अच्छा साथ ठीक है, हूँ, पार्लियामेंट में 366 लोग हैं, तीन मैं लोग आपके पूरे साथ पाकिस्तान हूँ, में फिरते रहे, 122 करोड़ मार दें तो 366 लोगों की जरूरत है ना, उनसे पूरा मुल्क चला लें। ये सही कह रहे हैं, बड़े दुख की भाई बात मुल्क है। चलाना है इसी आवाम के साथ चलाना है ना, जब अपनी आवाम को आप गोलियों से मार रहे हो और जनाब बुलेट से मार रहे हो। अगर कहीं कहें आपको सबूत वीडियोस किसी किस्म का, और जितने जख्मी हैं और जितने शदीद सवेर जिनको जख्म है वो बुलेट की मतलब उसके बाद क्या कहें भाई। बुलेट तो दुनिया में किसी भी आखिरी कानून पर भी जाकर नहीं चलती, ये तो एक आम जुलूस के ऊपर इनका जब दिल करता है जितना दिल करता है ये लाशें।